नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपील पर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। चारों ने 13 मार्च 2014 को उच्च न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी। इन चारों के अलावा दो और दोषी थे, जिनमें से एक राम सिंह ने सुसाइड कर लिया था और दूसरा नाबालिग था जिसको जुवेनाइल एक्ट के तहत छोड़ दिया गया था। अभी दोषियों के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प है। ऐसे में फांसी कब होगी इसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता। इस फैसले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने की। दोषियों के वकील ने कहा कि उन लोगों का पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। उसने उनके गरीब और अनपढ़ होने की भी दलील दी, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। माचा मारा है और बोला है कि अगली बार अगर कभी कुछ किसी लड़की के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ये सिस्टम उसको बख्शेगा नहीं। बहुत स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। मैम, बड़ा मैसेज जाएगा इसके बाद, लगता है आपको? जी, मुझे लगता है एक मैसेज जाएगा सब लोगों में कि कोई भी पूरा का पूरा सिस्टम साथ हो जाएगा अगर तुमने किसी लड़की को गलत निगाहों से देखा। जरूरी ये भी है कि और देश की बहुत सारी निर्भयाएं हैं, मिल जाएगा उसको स्टडी करके हम उस पर जो रिव्यू है हम रिव्यू फाइल करेंगे। अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के लिए रिव्यू फाइल करेंगे। उन्होंने बोला कि समाज में मैसेज पहुंचना जरूरी है। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। तो निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि दोषियों के पास राष्ट्रपति के पास अपील करने का एक विकल्प बाकी है, पर बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि वो इस फैसले को रिव्यू करेंगे और एक बार फिर अपील करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं इस फैसले के बाद तमाम लोग कोर्ट के फैसले की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्पष्ट संदेश जाएगा ऐसे लोगों के लिए कि अगर वो इस तरह की किसी भी वारदात में संलिप्त होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चारों आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो दिल्ली के निर्भया कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और चारों दोषियों को फांसी की जो सजा सुनाई गई थी उसे जारी रखा है। इस मामले में हमारे साथ जेडीयू नेता एसएस अहमद जी जुड़े हुए हैं। एसएस अहमद जी, निर्भया कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फांसी के फैसले को बरकरार रखा है, इससे स्पष्ट है कि एक गंभीर और बड़ा मैसेज जाएगा समाज में? जी दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ था उस प्रकार के लिए अपराध के लिए, उस वैश्याने अपराध के लिए ये सजा कम है। और इससे बड़ी कोई सजा हो सकती थी तो उससे बड़ी सजा दी जानी चाहिए थी। हमें लगता है
कानून ने अपना काम किया, दिल्ली पुलिस और जो भी तंत्र इसके पीछे लगे और जिन लोगों को ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, जो जो तथ्य सामने आए उस सब को देखते हुए कोर्ट का ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे कोई भी आदमी इस प्रकार का अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा कि ऐसा अपराध कितना घिनौना है, और उन सब समाज के लोगों के लिए, सारे अभिभावक के लिए, सारे लोगों के लिए एक बहुत ही माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जी बिल्कुल, एसएस अहमद जी, नेचर ऑफ क्राइम की बात करें तो महिला के विरुद्ध हिंसा और इसकी इंटेंसिटी के आधार पर तो फांसी की सजा दी गई है आरोपियों को, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बिहार में भी जारी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन उसमें स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है आजकल बिहार में, जो कि पहले हुआ करता था। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है और हमारा जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, और जो भी कदम उठाए जाने चाहिए आवश्यक होंगे स्पीडी ट्रायल से लेकर हर तरह का, बिहार सरकार उसके लिए वचनबद्ध है, और जितने भी अपराध इस प्रकार के होंगे उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे, उसके लिए हम लोगों के लिए तरफ से कोई चूक नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहे एसएस अहमद जी। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं अनिल यादव जी। अनिल यादव जी, निर्भया कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जी, और जिस तरह की ये घटना घटती है महिलाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह की घटना घटती है, उस तरह से वो असुरक्षित थी, जिसको कि जब तक कि इस तरह की सजा रेपिस्टों को न मिलेगी तब तक ये चीज नहीं रुक सकता। अभी अहमद साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल गए वो अपने सरकार के बारे में। इस राज्य में बहुत सारे लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ रेप हुए जी, यहाँ तक कि इनके महागठबंधन के विधायक जो हैं, जो जिसको सुप्रीमो कहते हैं, उनके बड़े नजदीकी आदमी हैं, जो रेप केस में गिरफ्तार हुए थे और बेल लेकर बाहर चले आए, उनका आज तक ट्रायल इतना स्लो है जी, कि अभी ट्रायल क्या एक बार भी हियरिंग उस तरह का नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में जब रेपिस्ट जेल के बाहर आ जाता है और उसका स्पीडी ट्रायल नहीं होता है जी, और वो कहते हैं कि हमारी ये सरकार काम कर रही है, सुशासन की सरकार है, सही समय पे सही निर्णय होगा, तो ये तो बड़ा दुखद बात है कि जिसने रेप किया, जिसने रेप करके उसका पूर्ण रूप से गवाह सामने है, वो लड़की बयान दे रही है, और वैसे आदमी को छोड़ दिया गया है और वो फ्री होके घूम रहे हैं जी। और केवल वही एक मामला नहीं है, बिहार में और कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले आए हैं जो जी, बहुत सारे मामला हैं जिसको कि इस तरह से लोग छोड़ देते हैं, और ये जो पुलिस है और इनका जो एसपीडी ट्रायल, जिस समय हम लोग थे, एनडीए की सरकार थी, किस तरह से अपराधियों के ऊपर एसपीडी ट्रायल हो रहा था, वही मुख्यमंत्री आज है जी, लेकिन एसपीडी ट्रायल बिहार में बंद हो गया जी। एसएस अहमद जी, क्या जवाब देंगे? एसएस अहमद जी, जी क्या जवाब देंगे अनिल जी को? देखिए, अनिल जी है, इनको एक राजनीति करनी आती है, सिर्फ हर बात में इनको राजनीति सुन रही है। सही है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ हैं तो वही करेंगे, लेकिन कुछ गलत अगर इन्होंने कहा है तो वो बताइए, नहीं तो फिर उसका जवाब दीजिए। किस अपराधी को हम लोगों ने छोड़ा आज तक? और हमने छोड़ा, हमने तो कानून के पीछे खड़ा कर दिया लाके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनिल जी राजवल्लभ यादव के बारे में बात कर रहे होंगे, और फिर बिहार की एक निर्भया है जो काफी हाई प्रोफाइल मामला है। राजवल्लभ यादव को क्या हम लोगों ने, राजवल्लभ यादव विधायक में थे क्या, उनको हम लोगों ने नहीं जेल पुलिस ने पकड़ा क्या, पुलिस के कटघरे के पीछे नहीं खड़ा किया गया उनको? मैंने उनका स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है अहमद जी? एकदम होगा, सारा चीज होगा, जो कानून की प्रक्रिया है। आपकी सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, एनडीए की सरकार थी, तो स्पीडी ट्रायल होते थे, अपराधियों को सजा मिलता था, अपराधी डर से अपराध नहीं करता था। आज स्पीडी ट्रायल बंद हो गया है,
इसके पीछे क्या कारण है और क्यों और मामलों को तो छोड़ दे, महिलाओं से जुड़े आपराधिक गतिविधियों में भी सरकार की सक्रियता और पुलिस प्रशासन की सक्रियता दोनों साफ दिख रही है। बिहार का ग्राफ क्या है, बिहार का एनसीआरबी रिपोर्ट क्या दे रही है, 22वें स्थान पर बिहार में अपराध है, पहले नंबर पर कहां है अपराध पता है अनिल जी। तो क्या इसका मतलब है बिहार को तब तक खुली छूट मिलनी चाहिए, बिहार में अपराधियों को तब तक खुली छूट आप देंगे जब तक वो पहले नंबर पे ना पहुंच जाए? व्यापक घोटाला कहाँ हो रहा है? एसपीडी ट्रायल बंद हो गया, ऐसे सहमत जी के विरुद्ध जो एसपीडी ट्रायल होते थे वो क्यों बंद हो गए जी, इसका जवाब आपके पास है? आप ये बताइए कि एनसीआरबी का क्या रिपोर्ट है, बिहार का क्राइम कहाँ पर है? जो मैं पूछ रहा हूँ नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है। एस एस अहमद जी एक सीधा सा सवाल है, उसका जवाब चाहेंगे आपसे। एस एस अहमद जी क्या आप हमें सुन रहे हैं? हम बिल्कुल सुन रहे हैं। तो एस एस अहमद जी क्या तब तक अपराधियों को खुली छूट दी जाएगी बिहार में जब तक बिहार पहले नंबर पे न पहुंच जाए आपराधिक वारदातों में? कोई आज अपराध कहाँ पहुंच गया, 22वें नंबर पर समाप्त हो जाएगा बिहार में, लेकिन ये बतावे कि पहले नंबर पर कौन है अपराध में? तो क्या तब तक बिहार के अपराधियों को छूट मिलेगी? 22वें नंबर पर अपराधियों को छूट, किस अपराधी को? राजबल्लभ को जेल में नहीं दिया गया, कानून अपना काम करेगा ना, उसको न्यायालय के सामने हम थोड़े हैं। मतलब आप इतने से संतुष्ट हैं और बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं? एकदम कोशिश, एक भी अपराधी हम छोड़े हैं क्या तक? एक भी विधायक को हम छोड़ते हैं इनके पर है? अनिल जी से पूछ लेते हैं, बताइए अनिल जी, ये कह रहे हैं एक भी अपराधी, एक भी कोई भी भले विधायक ही क्यों ना हो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है? दीपक जी इनसे सिर्फ पूछा जाइए कि एसपीडी ट्रायल जो एनडीए सरकार में चलती थी, पार्टी है हम नहीं बोल रहे हैं, इनके सांसद ही बोलते हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, और हम नाम गिनावेंगे कौन कौन सांसद क्या क्या अपराध किए हुए हैं। निहाल चंद जी का क्या अपराध हो जाते हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, सीधा सा सवाल है। अपराध जानते हैं, आपके केंद्रीय मंत्री थे, अभी सांसद है, आपके केंद्रीय मंत्री सांसद का अपराध जानते ना है आप क्या है? अहमद जी एक दूसरे पर आरोप डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आप एनडीए सरकार में आप ही थे, एनडीए ऐसे समझिए, सीधा था जो सवाल है, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? एनडीए सरकार में आप भी थे और उस समय स्पीडी ट्रायल चलते थे और अपराधियों को सजा मिलती थी। अब जब एनडीए सरकार नहीं है और आप महागठबंधन की सरकार, सुन लीजिए ना, इसलिए कि आप एसपीडी ट्रायल नहीं चला रहे हैं, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। एसपीडी ट्रायल क्यों बंद है ये बताइए। आपके सांसद है निहाल चंद जी, उनका क्या अपराध है, किस अपराध के लिए? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ ये जवाब दीजिए ना, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? आप एसपीडी ट्रायल क्यों नहीं चला रहे हैं? ऐसे सहमत जी, अगर बीजेपी के दामन में दाग है तो क्या आपके दामन में दाग की वो सफाई होगी? आप अपने दामन को साफ नहीं कर सकते? जेल में बंद कर दिया दीपक जी, हमारे दामन में दाग था, कानून अपना काम कर रही है। कहाँ कानून काम कर रही है? काम नहीं करने देते आज के इनके सांसद का क्या अपराध है? अहमद जी थोड़ा सुन लीजिए, आज के तारीख में महागठबंधन में जो नीतीश जी की सरकार है ये अपराधियों को काम नहीं करने दे रही, अपराधियों को खुली छूट दे रही है, कानून का काम नहीं करने दे रही है। अपराध उमा भारती का अपराध, किस किस सांसद का मंत्री का आपके अपराध दिया जाए? अरे बिहार में जिस तरह का अपराध चल रहा है उस अपराध, अरे बिहार में तो 2005 से दिन दहाड़े मार दिया जाता है लोगों को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, आप क्या बात करेंगे? इंजीनियर डॉक्टर खुलेआम दिन दहाड़े मारे जाते हैं, रोड पर लोग चल रहे हैं उसकी हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, विधायकों क्या बात आप करते हैं, इतनी हत्या हो रही है, पहले नंबर नहीं आ रही है, आप पहले नंबर पर अपराध भी ट्रायल नहीं होने देते हैं, आपने स्पीडी ट्रायल रोक दिया है, आप बोलते हैं क्या ये अपराधियों का सरकार चल रहा है? और निहाल चंद जी का अपराध क्या है, बलात्कार चल रही है, जिस महागठबंधन में किसी दल के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य कोई अपराधी हो उस सरकार में
अपराधियों का कितना मनोबल ऊंचा होगा ये समझ में आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपराध बताइए, कमी हो जाती है समझ में आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपराध आपके मंत्री परिवारों का क्या बात बोलते हैं थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए, आपके सोचना चाहिए, बोलने के पहले सोचना चाहिए। अहमद जी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अनिल जी, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आपराधिक वारदातें हो रही है, उसमें क्या तत्परता दिखा रही है बिहार सरकार? तरह का अपराध होता है उसकी पूरी तत्परता यह है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अपराधी को कानून के सामने लाया जाएगा, इसका पूरा विश्वास बिहार की जनता को है, बिहार की जनता जानती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये विश्वास को बरकरार रखेगी जिस पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल यादव जी और एसएस अहमद जी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।